एक ऐसी मूर्ति जिसमें आज भी धड़कता है भगवान कृष्ण का दिल। जी हाँ दोस्तों, इस अनोखे मंदिर में भगवान की मूर्ति का दिल धड़कता है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में उनके बचपन से जुड़ी अनगिनत कहानियां प्रचलित है। इस जन्मभूमि से मीलों दूर दक्षिण भारत के जगन्नाथ में कृष्ण से जुड़ी रोचक कहानियां सुनने को मिलती है। कहते हैं यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं। यहाँ की एक मूर्ति के भीतर पिंड रूप में कृष्ण का दिल धड़कता है, जिसे साफ साफ सुना जा सकता है। और इससे जुड़ी एक कहानी भी पुराणों में दर्ज है। इस कहानी के अनुसार द्वापर युग के अंत में भगवान विष्णु ने अपने मनुष्य अवतार को त्याग दिया था। जब उन्होंने इस युग में अपना शरीर छोड़ा और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया, तो पीछे से पांडवों ने मिलकर कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर तो जलकर राख हो गया था, लेकिन दिल निरंतर जलता ही रहा। उसकी अग्नि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह दिल धड़कता जा रहा था। फिर ईश्वर के आदेशानुसार पांडवों ने उस जलते हुए दिल का पिंड बनाया और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। जल में जाते ही इस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। यह लट्ठा बहता हुआ दक्षिण भारत की ओर निकल गया और जहां इंद्रध्रुम को ये मिला। राजा इंद्रध्रुम भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए जब उसे उस लट्ठे की सच्चाई मालूम हुई तो उसने इसे एक कृष्ण मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। तब से लेकर आज तक इस लट्ठे को कृष्ण की मूर्ति के भीतर ही स्थापित किया जा रखा है। जगन्नाथ मंदिर की कृष्ण की मूर्ति को हर 12 साल बाद दोबारा से बनाया जाता है। इस मूर्ति को बनाने के लिए खास लकड़ी और विशेष कारीगरों को उपयोग में लाया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की कृष्ण की मूर्ति को पहली बार जिन कारीगरों ने बनाया था, उन्हीं के वंशजों से यह मूर्ति तैयार कराई जाती है। कृष्ण का दिल कहे जाने वाले लट्ठे में ब्रह्मा का वास माना जाता है, इसलिए इस लट्ठे को देखने या हाथों से छूने की अनुमति कारीगरों को भी नहीं दी गई। लट्ठ को मूर्ति के भीतर स्थापित करते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथों पर भी कपड़ा लिपटा होता है। मूर्ति में वह लट्ठ स्थापित करने वाले पुजारी का कहना है कि मूर्ति के भीतर जब हमारे द्वारा वह लट्ठ स्थापित की जाती है, तब जैसे ही वह लट्ठ हमारे हाथ में आता है तो ऐसा लगता है कि कोई खरगोश हाथों से फुदक रहा है। वह लट्ठ खरगोश की खाल जैसा बहुत मुलायम प्रतीत होता है। जगन्नाथ मंदिर के पंडितों के अनुसार किसी को भी कृष्ण के दिल वाले इस लट्ठे को देखने की अनुमति नहीं होती। इसके पीछे मान्यता है कि जो कोई भी इस लट्ठ को देख लेगा, उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। जिस दिन कृष्ण की मूर्ति में लट्ठ को स्थापित किया जाता है, उसी दिन उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे राज्य की बिजली काट दी जाती है। किसी को भी उजाला करने की अनुमति नहीं होती। गहरे अंधेरे में कृष्ण की मूर्ति में लट्ठ को स्थापित किया जाता है। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है, तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहां पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।